हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज में है तो आप उसके ट्रेडिंग एप्लीकेशन HDFC स्काई में फंड ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस HDFC स्काई एप्लीकेशन में फंड ऐड करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें विड्रॉ कैसे करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि विड्रॉ करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में HDFC स्काई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में हम देख सकते हैं हमारे ऊपर की ओर यहाँ पास प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है पूनम सोनकर, और यहाँ पास PS करके दिख रहा होगा। उसमें यहाँ पास आपको सैंडविच का आइकन दिखेगा 3 लाइन का, तो यहाँ पास आपको उस 3 लाइन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन दिखता है फंड डिटेल्स, और यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है ऐड फंड का, तो यहाँ पास आपको ऐड फंड में क्लिक कर लेना है। ऐड फंड में क्लिक करने के बाद आप जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पास आपको लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पास आपको ऐड मनी में क्लिक कर लेना है। ऐड मनी में क्लिक करने के बाद आपके सामने हो सकता है गूगल पे फोन पे का भी ऑप्शन आएगा, अगर आपके मोबाइल में गूगल पे या फोन पे है तो। अगर आपके मोबाइल में गूगल पे फोन पे नहीं है तो यहाँ पास आपको सीधा सीधा इंटर UPI ID में क्लिक कर लेना है। इंटर UPI ID में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको अपना UPI ID फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पास अपना UPI ID फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास अपना UPI ID फिल कर लिया है। UPI ID फिल करने के बाद यहाँ पास मैं ऐड मनी में क्लिक कर दूंगा। ऐड मनी में क्लिक करने के बाद अब आप जिस भी एप्लीकेशन के UPI ID फिल किए थे उस एप्लीकेशन में आपको मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो वहाँ आप जाकर उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको वहाँ से उस पे बटन में क्लिक करके UPI ID डालकर प्रोसीड में क्लिक कर देना है, तो आपका फंड ऐड हो जाएगा। तो मैं बस फोन पे में आ चुका हूँ, यहाँ पास मैं पे बटन में क्लिक करके अपना UPI ID डालकर प्रोसीड कर दूंगा तो हमारा फंड ऐड हो जाएगा इमीडिएट। यहाँ पास मेरा फंड इमीडिएट ऐड हो चुका है। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा फंड ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पास कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद और यहाँ पास अगर आप फंड डिटेल में देखेंगे तो पहले हमारे सामने फंड डिटेल 0 से हो रहा था। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पास हमारा पहले फंड डिटेल 0 शो कर रहा था, वो अब यहाँ पास 100 रुपीज शो कर रहा है। यहाँ पास मैं फिर से फंड डिटेल में लेकर चलता हूँ। फंड डिटेल में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे सामने अवेलेबल मार्जिन 100 रुपीज करके शो हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 100 रुपीज ऐड हो चुका है एकदम सिंपल तरीके से। अब बहुत लोगों को विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आता है, तो विड्रॉ करना कैसे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पास कुछ ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पास हमारा पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ नहीं होगा जब तक वो ट्रेड सेटलमेंट नहीं होता है। मैंने आज ट्रेड किया तो 2 दिन में सेटलमेंट होता है, जैसे कि आज शुक्रवार है तो कल सैटरडे संडे सेटलमेंट नहीं होगा, वो सेटलमेंट होगा मंडे को। तो मंडे को सेटलमेंट होने के बाद ही आप सारा फंड विड्रॉ कर सकते हैं। मान के चलो मैंने कोई स्टॉक खरीदा 50 रुपए का, तो मेरा 50 रुपए यूज हो चुका है और 50 रुपए बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पास आज अपने सिर्फ बचे हुए 50 रुपए को निकाल सकता हूँ। लेकिन मैंने जो ट्रेड किया था 50 रुपए का, मतलब मैं 50 रुपए का ट्रेड करके बाय करके सेल भी कर चुका हूँ, फिर भी मैं उस 50 रुपए को विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो सेटलमेंट नहीं हुआ रहेगा। ब्रोकरेज कटने के बाद जो पूरा सेटलमेंट होता है उसके बाद आप अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि सर मेरा तो पूरा का पूरा फंड बचा हुआ है लेकिन विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप ट्रेड किए तो आपका विड्रॉ 1 से 2 दिन के बाद ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये चीज याद रखना है। अब आपको विड्रॉ करना कैसे है, विड्रॉ करना एकदम सिंपल है। आपको फंड डिटेल में आ जाना है, नीचे के विड्रॉ बटन में क्लिक कर लेना है। विड्रॉ बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका विड्रॉएबल अमाउंट कितना है। यहाँ पास हमारा विड्रॉएबल अमाउंट 0 शो कर रहा है, मतलब कि अभी हम विड्रॉ नहीं कर सकते। 100 रुपीज को मैंने अभी इमीडिएट ऐड किया था, तो हो सकता है इसको मैं 1-2 घंटे के बाद ही विड्रॉ कर पाऊंगा, या फिर हो सकता है कि उसको मैं कल भी विड्रॉ कर पाऊँ, आज विड्रॉ कर ही ना पाऊँ। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका विड्रॉएबल अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से यहाँ पास आपको जितना भी विड्रॉ करना है उस प्राइस को यहाँ पास आपको फिल कर लेना है, और यहाँ पास आपको कन्फर्म विड्रॉ में क्लिक कर देना है, तो आपका 1 से 2 दिन के अंतर्गत बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने इनसफिशियंट फंड करके लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा विड्रॉएबल बैलेंस अभी 0 शो कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि विड्रॉ करना कैसे और कब करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।